मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में छिड़ी फैशन की जबरदस्त जंग। एक से बढ़कर एक हॉट लुक में एंट्री कर बॉलीवुड बेब्स ने किया सभी को दंग। गोल्डन चोली और रेड लहंगे में सुहाना ने आर्चीज गैंग के साथ दिखाया देसी अंदाज। तो नीता अंबानी की बहू राधिका सिल्वर आउटफिट में एक बार फिर दिल जीतने में हुई कामयाब। गोल्डन लहंगे में जानवी लगी जैसे चलता फिरता पटाखा। तो येलो लहंगे में अनन्या पांडे के दिवाली लुक ने भी किया धमाका। सिद्ध की कियारा को लहंगे में देख जैसे दिल में जले अनार। तो लाल साड़ी में नव्या और पिंक लहंगे में सारा को देख दिल में बजे गिटार। बॉलीवुड में दिवाली पार्टीज का आगाज हो चुका है। संडे नाइट 5 नवंबर को बॉलीवुड के फेवरेट फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर दिवाली की दावत रखी थी, जिसमें सितारों का सैलाब उमड़ पड़ा। बॉलीवुड के तमाम खूबसूरत चेहरे एक से बढ़कर एक डिजाइनर देसी अवतार में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचे। खास बात तो ये रही कि पार्टी में आए इन सभी मेहमानों ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई कलेक्शन को ही शोकेस किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं किसका फैशन रहा किससे बेस्ट, और शुरुआत करते हैं यंग ब्रिगेड के साथ। सबसे पहले बात जानवी कपूर की, जो मनीष मल्होत्रा की महफिल में गोल्डन गर्ल बनकर पहुंची थी। लाइट एंड डार्क गोल्डन सीक्वेन वर्क वाले लहंगे में जानवी खूबसूरत लग रही थी। छोटी सी चोली और हाथों में दुपट्टा लिए जानवी ने बोल्ड लुक दिखाया। महफिल में चार चांद लगाने के लिए कियारा आडवाणी गोल्डन लहंगे में सजकर पहुंची, जिसके साथ उन्होंने पिंक दुपट्टा और डायमंड स्टेटमेंट नेकलेस पहना था। अपनी लेडी लव का हाथ थामे पार्टी में आए सिद्धार्थ मल्होत्रा कश्मीरी कढ़ाई वाले ब्लैक कुर्ते पजामे में हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहे थे। तो वहीं नवाब सैफ की शहजादी सारा अली खान ने पिंक लहंगे में दिखाया नवाबी अंदाज। अल्टरनेक बैकलेस ब्लाउज के साथ लहंगा पहने और हाथों में पिंक दुपट्टा लिए सारा का नवाबी लुक दिलों पर कहर ढा गया। सारा ने बालों का जूड़ा बनाया था, जिसके साथ उन्होंने मेकअप को लाइट ही रखा था। खुशी कपूर और सुहाना खान अपने देसी लुक में वेस्टर्न टच को मिक्स किए पार्टी में पहुंची। दारचीज की पूरी टीम पार्टी में एक साथ आई थी, जहां गर्ल्स रेड एंड गोल्डन आउटफिट्स तो बॉयज व्हाइट एंड ब्लैक कपड़ों में दिखे। खुशी कपूर ने डीप नेक गोल्डन ब्लाउज के साथ मेहरून एंड गोल्ड कलर का वेलवेट लहंगा पहना था, तो वहीं सुहाना खान शॉर्ट गोल्डन चोली और रेड लहंगे में खूबसूरत दिखी। सलमान खान की भांजी अलीजे सरप्राइज पैकेज बनकर इस पार्टी में पहुंची। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लहंगे में अलीजे ने बेहद बोल्ड लुक दिखाया। इस लुक में अलीजे को पहचानना भी मुश्किल था। अंबानी लेडीज नीता और राधिका ने अपने लुक से हमेशा की तरह लोगों की अटेंशन ग्रैब की। नीता अंबानी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने गोल्डन कलर के झालर के साथ ड्रामेटिक लुक दिया था। तो वहीं उनकी होने वाली बहू राधिका व्हाइट कलर का हैवी वर्क का प्लाजो और क्रॉप टॉप पहने नजर आई। अपने लुक को लेकर हमेशा ट्रॉल होने वाली ऐश्वर्या राय को भी हमने पार्टी में स्पॉट किया। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में अकेली आई ऐश्वर्या पिंक एंड रेड डबल शेड वाले हैवी सूट पहने दिखी। तो वहीं शाहरुख खान की बेगम गौरी खान ट्रांसपेरेंट खूबसूरत सितारों वाली साड़ी में सजकर इस महफिल का हिस्सा बनने आई। अनन्या पांडे ने येलो कलर के लहंगा चोली में फैशन का जलवा दिखाया। तो बॉलीवुड की फैशन स्टार सोनम कपूर गोल्डन कलर की प्लेन साड़ी और कान में हेवी इयररिंग्स पहनकर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंची। सोनम का ये लुक काफी ज्यादा सिंपल और एलिगेंट लगा। बला की खूबसूरत रेखा इस मौके पर हमेशा की तरह सज धज कर पहुंची। गोल्डन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहने नजर आई रेखा। वहीं रेखा की अदाएं हमेशा की तरह कहर ढाने वाली थी। शमिता शेट्टी ने भी अपने बोल्ड लुक से लोगों का ध्यान खींचा। बहन शिल्पा के बिना ही पार्टी में आई शमिता इस मौके पर ब्लैक कलर का प्रिंटेड लहंगा चोली पहनकर पहुंची। डीप नेक ब्लाउज में शमिता गदर ढा रही थी। इस मौके पर नौरा फतेही क्रॉप टॉप के साथ फिश कट स्कर्ट पहनकर आई। इस आउटफिट में नौरा लग तो बेहद खूबसूरत रही थी, लेकिन अपनी फिश कट स्कर्ट की वजह से नौरा काफी उलझी भी दिखी। रवीना टंडन की बेटी ब्लू कलर के स्टाइलिश लहंगा चोली में दिखी, तो एक्ट्रेस खुद सीक्वेंस साड़ी में सजी। वहीं भूमि पेडनेकर ने दिवाली पार्टी के लिए गोल्डन ग्रीन कॉम्बो वाला लहंगा चोली कैरी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।